नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। वापस वही सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए, तलाक, डिवोर्स, दुखी लग्न जीवन का जो मैं आपको रेमिडीज या वो बता रहा था कि क्या कर सकते हैं इसमें, तो इसमें देखिए वेरी फर्स्ट थिंग, हमको सुखी होना है जीवन में, तो कहीं सब जगह चालबाजी नहीं कर सकते हैं। देखिए, एक तो विवाह ऐसी जगह है जहाँ हम सुखी रह सकते हैं, मैरिज लाइफ का सुखी पार्टनर चुन सकते हैं। दूसरी बात वास्तु है, वास्तु भी परफेक्ट चॉइस कर सकते हैं। दो तीन ही जगह है, देखिए घर में अगर कन्या रत्न आपके आज जन्म होता है उसका, तो इंसान सुखी होता है, वो लक्ष्मी का स्वरूप है। अगर लक्ष्मी अगर पत्नी के स्वरूप से आपके घर आती है तो वो लास्ट तक रहती है। माता के स्वरूप में जो लक्ष्मी है वो भी आपके घर रहेगी, चिरस्थायी रहेगी। जैसे ही वो लकी आदमी चला जाता है, धीरे धीरे लक्ष्मी जगा करती है, तो उसी तरीके से एक तो मैरिज लाइफ में आप मैचिंग करके सुखी हो सकते हैं, वास्तु में भी आप सुखी हो सकते हैं। दो चार जगह ही है जहां आप वो कर सकते हैं। तो ये जो मैच मेकिंग है, इसके लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर खड़ा, बहुत बड़ा टाइम कंज्यूमिंग पूरा समझो चैप्टर ही है हमारे पास। बालारिष्ट का एक चैप्टर था ओल्ड एज में, बच्चे मर जाते थे, अभी कोई नहीं मरता। अष्टम स्थान में चंद्र है, और पुराने किसी भी किताबों को आप उठाकर देख लो, उसमें लिखा है कि एट हाउस में चंद्र ऐसा व्यक्ति ज्यादा जीता नहीं। आज ऐसा नहीं है, आज आप देखेंगे तो वो वक्त बदल गया। आज मेडिकल बहुत आगे है, एडवांस है, और वो काल समय स्थल उस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी भी थोड़े थोड़े रेक्टिफाई होते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैरिज लाइफ में दुखी है, अगर आपने रिकॉग्नाइज कर दिया पहले स्टेज पे, तो आप मैच मेकिंग करते वक्त आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, आप जब चार्ट देखते हैं, मैं इसमें पॉइंट उल्टे सीधे भी चल रहा हूँ, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि हमने पहले वेरी फर्स्ट थिंग हम चार्ट ओपन करते हैं और कितने पॉइंट मिले इस पर चर्चा करते हैं। टोटल ये 36 मार्क्स का पेपर है मैच मेकिंग का। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भ्रकुट और नाड़ी। वर्ण, वश्य, तारा, योनि सब इसको देखिए, वर्ण को एक ही मार्क्स है, मतलब इसमें वर्ण ऊपर चाहिए हमारा, गण वश्य, वश्य कौन किसको वश करता है। ये आजकल मैरिज का ये जो कॉम्पिटिटिव चार्ट है, ये पंचांग में रेडीमेड मिलता है, पहले जमाने में लोग चेकिंग करते थे इसको, तो इसमें एक नाड़ी नहीं होती, एक नाड़ी नहीं लेते हम। कभी कभी ये मैरिज लाइफ डिसहैप्पी होती है, क्योंकि क्या होता है, बच्चे नहीं होते, एक नाड़ी में हम बच्चे नहीं होते, ऐसा बिलीव है। देखिए, आद्य, मध्य और अंत्य, ये तीन नाड़ियाँ हैं, तीन नाड़ी में मध्य नाड़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और ब्राह्मणों को ये दोष ज़्यादा लगता है, ऐसा मानते हैं ये लोग, लेकिन पहले के ज़माने में ये दोष सभी को लगता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कहीं कहीं किताबों में ये भी लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। दोज हु आर एंड सोशल है हमारे धरती पर जो आदमी है, तो अगर एक को रूल है तो वो सभी को होगा, नेचर में ऐसा नहीं हो सकता। नाड़ी का मैंने बताया ऐसा आद्य मध्य अंत्य, नाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नाड़ी में कहा एक्सेप्शन ले सकते हैं कि एक नाड़ी हो तो हम शादी नहीं करते जनरली, और करते हैं तो फिर देखते हैं कि गुरु अच्छा हो, पंचम स्थान को देखता हो तो बच्चे हो जाए, इस तरीके से हम लेते हैं इसमें। तो 36 मार्क्स का पेपर है, इसमें 18 मार्क्स मिलने चाहिए। ये मैरिज मेकिंग का ये सबसे पहला, लेकिन इसमें खेल और है। देखिए, आपने अभी तक सिर्फ किताबों में ये पढ़ा है, ये आप मैरिज मेकिंग का जो पॉइंट्स है ये कहाँ से आता है, कभी आप सोचते हैं तो इसको देखिएगा। ये पंचांग में मैनुअल है, पंचांग आप जो भी पंचांग रेफर करते हैं उसमें डेफिनेटली देखिए, ये लड़का और ये लड़का और लड़की, यानी कि बॉय, मैं आपको वापस बताता हूं किस तरह से होता है। देखिए, जनरली देखिए, ये हस्बैंड कि जब मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या ऐसा लिखा होता है, और ये गर्ल, ये ऐसा होता है, फिर यहाँ मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, इसमें वापस तीन है। देखिए, मेष राशि में तीन नक्षत्र है, अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी के चार, तो पहले चार, फिर भरणी के पहले चार, अश्विनी के चार नक्षत्र, भरणी के चार, अश्विनी, भरणिका और कृतिका का एक, इस तरह से ऐसे ऐसे आगे चलता है। ये हम खाली इससे पॉइंट देखते हैं, ये लड़का, ये इसके हम नक्षत्र इस तरह से स्टडी करते हैं। मैं इसमें एक अच्छा चीज़ बताता हूँ, इसके लिए मैंने ये वक्त खराब किया है आपके लिए।
ये कॉम्पिटिटिव चार्ट जो आप कंप्यूटर में देखते हैं, प्लस और एक देखिएगा लग्न कौन सा है आपका और लग्न का नक्षत्र कौन सा है, वी रिमेम्बर। अभी आप लग्न देखिए, ये भाई किताबों में कहीं नहीं लिखा, अगर आप बोलेंगे किताबों में दिखाओ तो किताबों में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन इसको जब आप देखते हैं कि डिस हैप्पी मैरिज लाइफ अगर दुखी है तो इसको एक नज़र और करिएगा, डेफिनेटली काम करेगा। ये लड़के का नक्षत्र देखिएगा, लग्न का नक्षत्र, चंद्र का नहीं। अगर तुला लग्न है और मिथुन राशि है तो लग्न का देखिएगा, जैसे कि तुला राशि है तो स्वाति नक्षत्र हो समझो, और लड़की का नक्षत्र एरी मेष का हो अश्विनी हो, तो ये पॉइंट पर आप लड़की का लग्न नक्षत्र ही देखिएगा, लड़के का नहीं। अभी आप काफी लोग रोएंगे इस बात को, मैं जानता हूं, बट मेरा ये अनुभव ये बताता है मुझे कि मैं ये भी देखता हूं, फिर चंद्र कुंडली से देखकर मैं छोड़ नहीं देता। जैसे कि चंद्र कुंडली में पॉइंट्स मिल गए, आई डजंट से यस, मैं जब कभी मेरे को लगता है, देखिए चंद्र मन से संबंधित सबसे नियर बाय अर्थ के ऑब्जेक्ट है, उसकी सबसे ज्यादा इफेक्ट है हमारे पर, चंद्र ही बढ़ती यानी कि वो पानी आना और जाना ज्वार भाटा, उस पर ये चंद्र का अमल ज्यादा है। ऐसे हमारे मन के अंदर भी, मन के ऊपर चंद्र का इफेक्ट ज्यादा है, फिर चंद्र से मैच मेकिंग करना आज के जमाने में मुझे लगता है थोड़ा इनसफिशियंट है। आप लग्न से भी देखिए, मतलब ये पॉइंट, ये 18 से 36 ये लग्न का है, चंद्र का पॉइंट है, फिर लग्न का भी पॉइंट देखिएगा, आप अपने हिसाब से करिएगा, इसमें कोई शक है डेफिनेटली मेरे से वापस बात कर सकते हैं, या तो मेरे को वापस वहाँ SMS कर दीजिएगा, या मेरे को, मैं ठीक तरह से समझाया है, मैं इसके वापस एक बार देखिएगा। हम ये जो मैच मेकिंग जो पॉइंट आता है, ये वो सिर्फ चंद्र से देख रहे हैं, मन का मेल कर रहे हैं ये, शरीर का मेल नहीं हो रहा है। और आजकल लोग, मन का मेल कहाँ हो रहा है आजकल, तो शरीर की बात, इंसान जो शादी कर रहा है सिर्फ इसीलिए कर रहा है, साथ में रहने की बात है, और अब पहले का जैसा नहीं है, अभी सोशल समाज नहीं है, देखिए हस्बैंड वाइफ खाली रहते हैं, सोशल पूरा सोशल जो हमारा ये फैमिली टूट रहे हैं सर, अभी पहले जैसी फैमिलियाँ नहीं रही, चार चार पांच पांच भाई साथ में रहते थे, ऐसे नहीं रहा, तो एक दूसरे के साथ कोई दूसरे को संभालने के लिए तैयार नहीं, तो उसमें लग्न से भी पॉइंट देखिएगा, इसको आपके पत्तों में ऐड कर दीजिएगा, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ मैच मेकिंग का, सिर्फ चंद्र से नहीं देखना है, ये मेरा पहला मुद्दा, और ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ मैं, ये पहली बात। और इसमें अगर जो आपको लगता है कि लग्न से भी पॉइंट 18 से कम है, अभी समझो इसमें चंद्र से आपके तो कॉम्पिटिटिव चार्ट आ जाएगा, कंप्यूटर में बटन दबाए आ गया, इसमें अगर जो आपको 28 मिल गया, 30 मिल गया, 36 में, और आपको दिख रहा है सप्तमेश 6, 8, 12 में है, सप्तमेश नीच राशि का है, सप्तमेश के साथ राहु केतु है, सप्तमेश गड़बड़ है, बकरी है, और ये पॉइंट कम है, ये पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन लग्न का पॉइंट भी देखिए, जब आपको लगता है ये कुंडली गड़बड़ा रही, तो मन के पॉइंट के साथ और अंदर जाइएगा, लग्न कुंडली से भी उसको मैच करिएगा, ये पहला, सबसे पहला फर्ज है एस्ट्रोलॉजर का, ये पहली बात। दूसरी बात देखिए, मैंने ये कुंभ विवाह लिखा है, कुंभ विवाह भी एक ऐसी चीज़ है कि जब भी देखो आप कुंभ विवाह के हिसाब से, इट्स वेरी इजी, मैंने बोला अष्टम स्थान में राहु है आपके, जनरली अष्टम स्थान में मंगल है, राहु मंगल है, तो ये थोड़ा सौभाग्य स्थान के लिए गड़बड़ है, राहु मंगल की युति की बात कर रहा हूँ, अकेले राहु का, अकेले राहु या अकेले मंगल की नहीं, देखिए ये खराब है। धन स्थान में मंगल है तो सबसे रमिश है, इसका कोई उपाय ही नहीं, ये स्पाउस है, स्पाउस की उम्र, धन स्थान में मंगल है, स्पाउस, स्पाउस की उम्र, धन स्थान में मंगल है, ऐसे लोगों के स्पाउस की उम्र कम होती है। लग्ने धन स्थान में हो, शुक्र जैसा ग्रह हो, चंद्र जैसा ग्रह हो, लग्ने धन स्थान में हो तो स्पाउस की उम्र कम होती है, रिमेंबर। तो कुंभ विवाह करना चाहिए, और कुंभ विवाह समझो, कुंभ विवाह कराते हैं और आपको पहले ही पता चल गया कि स्पाउस की एज में गड़बड़ है, तो आपको शिव का महामृत्युंजय मंत्र, अगर महामृत्युंजय मंत्र, ये अपोजिट वाली बात, अगर आपके अष्टम में राहु है तो आपको पता चल गया कि आपका स्पाउस का गड़बड़ है, केतु है, या राहु होगा तो यहाँ केतु है, तो यानी कि पति के उम्र के लिए आपको इनसेटिस्फेक्शन होगा, धन स्थान में केतु है तो गड़बड़ हो गई, तो आपको महामृत्युंजय मंत्र करना है, विष्णु सहस्त्र नाम करना है, करना ही चाहिए। और अगर अष्टम में एक सिर्फ राहु देखते हो किसी को, अष्टम स्थान है, सौभाग्य स्थान है स्त्री के लिए, मैंने 2-4 वीडियो के चार्ट देखे, मैं उसी से क्या सब कुछ जीत लिया ऐसा नहीं बोल रहा, बट अगर कुंभ विवाह कराते हैं, आजकल तो देखो दुनिया में सभी लोग सभी उम्र में विवाह करते हैं,
तो ये कुंभ विवाह कराने का जो प्रोसीजर था वो ये था। कभी कभार देखिए एट हाउस में राहु हो तो ही मैं इसको मानता हूँ। अष्टम लग्नेश के साथ राहु गया, सप्तमेश के साथ राहु गया गड़बड़, तो हम कुंभ विवाह उसको प्रीफर करा। ये कुंभ विवाह का वो मैंने कॉन्सेप्ट अष्टम स्थान के राहु को मैंने जोड़ा है और धनस्थान में मंगल केतु जैसा ग्रह है महामृत्युंजय मंत्र। आपके स्पाउस को महामृत्युंजय मंत्र करना ही पड़ेगा। अगर लग्नेश अगर आपका धनस्थान में गया है, लग्नेश धनस्थान में गया है, मंगल राहु जैसा ग्रह अगर आपके धनस्थान में, मंगल राहु केतु जैसा ग्रह देखिए अच्छा नहीं है। धनस्थान में धनस्थान है जो स्पाउस की लाइफ लॉन्गिटी, बी रिमेम्बर स्पाउस, स्पाउस की लाइफ लॉन्गिटी। तो कुंभ विवाह और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराना है। ये 1,00,000 मंत्र का अनुष्ठान होता है। अभी कितने 1,00,000, ये 1,00,000 मंत्र होने के बाद वो आपको निश्चित है उसमें आपने का जो पहले ही रिकॉग्नाइज किया तो यू सफिशियंट टाइम। अब आदमी बीमार हो गया और फिर वो महामृत्युंजय के चक्कर में पड़ेगा तो महामृत्युंजय नहीं होता। अष्टम स्थान में राहु है इसका मतलब आपका गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अष्टम स्थान का राहु आसान नहीं है, तो महामृत्युंजय मंत्र करते ही रहना चाहिए। और वैवाहिक जीवन के लिए कुंभ विवाह में सजेस्ट करता हूँ अगर किसी भी फीमेल को अष्टम स्थान में राहु, ये डिवोर्स, दुखी लग्न जीवन, मैरिज लाइफ। अभी वन मोर थिंग, देखिए हम जब भी देखते हैं मैरिज लाइफ में डिसहैप्पीनेस है, हमने रिकग्नाइज किया है, तो अपोजिट वाला जो कुंडली है उसके लग्न में गुरु हो, तृतीय में गुरु हो, सप्तम में गुरु हो या 11 में गुरु हो, ये डिस्काउंट है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैच मेकिंग में गुरु का सहारा लिया है। गुरु बोलेंगे तो थोड़ी बैलेंसिंग करके देता है। वेरी फर्स्ट थिंग बैलेंसिंग मतलब देखिए गुरु को है ना, देखिए इसको आकर्षण विकर्षण ऐसा नहीं है, नीति नियम से। काम वासना में भी ये नियम से चलते हैं। अगर आपको लगता है कि काम वासना में नियम से चलना है तो देखिए गुरु इस तरह से गुरु हो तो काम वासना में नियमितता आती है, यानी कि वो कभी भी किसी भी वक्त राक्षस की तरह सेक्सुअल अट्रैक्शन के लिए पागल नहीं हो जाता गुरु इस तरह से हो तो। ये देखिए लग्न में गुरु है तो उसकी 7वीं दृष्टि है सप्तम स्थान पर, तृतीय में गुरु है तो उसकी 5वीं दृष्टि है, 11th में गुरु है तो उसकी 9वीं दृष्टि है। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 आप समझ सकते हैं। देखिए गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि, ये 7वीं दृष्टि है, ये 5वीं है और ये 9वीं दृष्टि है सप्तम स्थान पर, या सप्तम स्थान में ही गुरु बैठा। सप्तम स्थान में गुरु बैठा है यानी कि आपका मैरिज लाइफ का जो स्पाउस है ये काफी रिलीजियस होगा। गुरु है देखिए रिलीजियस होता है आदमी, इसके साथ न यूतो न दृष्टो, रिमेंबर दिस, न यूतो न दृष्टो वाला गुरु चाहिए। अगर आप इसमें डिस्काउंट में ढूंढते हैं न यूतो न दृष्टो, मतलब ये प्लस पॉइंट हो जाएगा। अभी गुरु के साथ राहु आ गया और आप मेरे को पूछेंगे गुरु जी राहु आ गया, आप बताओ, वो गुरु को लंगड़ा कर देगा, गड़बड़ कर देगा। राहु जैसा ग्रह, शुक्र जैसा ग्रह किसके कंट्रोल में रहता है, गुरु के कंट्रोल में। याद रखिएगा मैरिज लाइफ की चार्म के लिए ये बैलेंस कर देगा। हाँ अच्छा अच्छा दिखाई देगा बाहर से, अंदर तो दुख है, लेकिन ये बैलेंस करता हुआ धीरे धीरे 12-15 साल के बाद मैरिज लाइफ में धीरे धीरे आध्यात्मिकता आने लग जाएगी, ये बात काम करती। अभी देखिए सप्तम में हो, वेरी फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द 7th, अगर 7th में कभी भी याद रखिएगा किसी भी कुंडली में, जैसे कि वृश्चिक लग्न है तो यहाँ आ जाएगा वृश्चिक, और सप्तम में शुक्र जैसा, कम से कम ये शुक्र सप्तम में, शुक्र है, चंद्र है, कोई भी सप्तम में है तो ये कम से कम मैरिज लाइफ को डिफाइन करेगा। अभी सप्तम में शनि सप्तम में बैठ गया, बोर्डम कर देगा मैरिज लाइफ, बोर्डम कर देगा, लेकिन मैरिज लाइफ को बरकरार रखने में सप्तम में जैसे लग्नेश लग्न में है तो आदमी को हेल्थ के इश्यू नहीं होते, आदमी फिजिकली फिट रहता है। लग्नेश लग्न में आदमी के हेल्थ के लिए कोई नए इश्यूज नहीं देता, वैसा सप्तम में डिस्काउंट है। और पर्टिकुलरली देखिए सप्तमेश अगर शुक्र जैसा रहे तो अच्छा ही है। देखिए किसी पुरुष को सप्तम में शुक्र है तो मैंने क्या बोला कि नारी दोषित बना था, उनके जीवन में ज़्यादा पुरुष आ जाते हैं, लेकिन वो अगर जो वैवाहिक जीवन में स्त्री को सुखी रहना है उसको इग्नोर कर। अभी यूरोप जैसे मामले हैं तो गड़बड़ा जाता है, बट शुक्र सप्तम में है मैरिज लाइफ का स्पाउस सुंदर, बट मैरिज लाइफ में मैंने बोला ऐसा फ्लर्ट हो जाते हैं। ऐसे तो तुला वृषभ मीन लग्न भी फ्लर्टनेस में कम नहीं है, बट पूरी चार्ट को भी आप देखिए। अभी लग्नेश लग्न लॉर्ड सप्तम में है, अभी जैसे कि ये मंगल है
सप्तम में या धनु लग्न है और गुरु सप्तम में, लग्नेश कभी भी याद रखिएगा सप्तम में हो या सप्तमेश लग्न में हो या लग्नेश और सप्तमेश का परिवर्तन, ये परिवर्तन भी राजयोग बनाएगा, केंद्र त्रिकोण का परिवर्तन हो जाएगा, लग्नेश और सप्तमेश का परिवर्तन। ये ज्यादातर अपने स्पाउस को ठीक तरह से समझ पाते हैं, लग्नेश सप्तमेश परिवर्तन। ये पब्लिक लाइफ के लिए भी अच्छा है, लग्नेश सप्तमेश का परिवर्तन हो तो लव मैरिज भी कर जाते हैं लोग, अपनी अपने अपने जो माइनस पॉइंट है वो वहां प्लस हो जाएंगे, इसके जो प्लस है या माइनस हो जाएंगे। लग्नेश और सप्तम का कहीं से कनेक्शन है, लग्नेश हमेशा उम्मीद देता है, अगर वो सप्तम में गया तो माना जाता है अच्छा, और सप्तमेश अगर लग्न में गया तो मैं इसको अच्छा मानता हूँ। और इसमें जब पर्टिकुलरली देखिए, लग्नेश बुध जैसा ग्रह हो सप्तम में चला गया, शुक्र जैसा ग्रह हो सप्तम में चला गया, बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। अभी लग्नेश सूर्य जैसा ग्रह सप्तम में गया, देखिए लग्नेश थोड़ा डिस्काउंट तो है, लग्नेश श्री लग्न है, लग्नेश सप्तम में चला गया क्या करेगा, ईगो पार्टनर दे देगा, लेकिन आप उसके ईगो संभालते रहो तो योर मैरिज विल बी हैप्पी वन, ये ध्यान में रखिएगा। लग्नेश सप्तम में हो सप्तमेश लग्न में हो, इसको मैं मैच मेकिंग के लिए डिस्काउंट में एक अच्छे मार्क्स देता हूँ, मैरिज मेकिंग में इसको मैं अच्छा स्कोर देता हूँ कि आई एम सेटिस्फाइड। लग्नेश सप्तम में हो सप्तमेश लग्न में हो, ये अपने मैरिज लाइफ के पार्टनर को ठीक तरह से पहचानने में कामयाब होते हैं, ये मैरिज लाइफ के पार्टनर को पहचान सकते हैं। मैरिज लाइफ बेसिकली एक डफर हो तो चलेगा, दोनों डफर हो तो मामला कोर्ट में, ये ध्यान में रखिएगा। और यूरोप की जैसा ही है, शादी करने के पहले ही यूरोप में तो ये तय होता है कि हमारा डिवोर्स होगा तो हमको क्या देना है, वो इंडिया में दूषण नहीं। अभी तीसरा है आकर्षण योग, देखिए ये मैंने बताया गुरु का आपको, ये मैं बता चुका हूँ आकर्षण योग। जैसे कि देखिए, अगर आपकी कुंडली में मकर राशि का चंद्र है, आपको मैं आइडिया बताता हूँ, आपकी कुंडली में मकर राशि का चंद्र है आपकी कुंडली में अगर मकर राशि का चंद्र है तो आप मकर के शुक्र जिसकी भी कुंडली में कहीं भी हो, ध्यान में रखिएगा, उसके प्रति आप आकर्षण महसूस करते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करते हैं, ये सेक्सुअली एक्टिव करने का धंधा है। चंद्र पर शुक्र रख दो या शुक्र पर चंद्र रख दो, राशि से देखो तो भी, लग्न से भी अगर आप फिट कर सकते हो, जैसे कि लड़की है जिसके चंद्र थर्ड में या शुक्र थर्ड में, किसी भी राशि का हो, अभी ये मकर की तो बात छोड़ दीजिए, अपने अगर मकर से मकर छोड़ देते हैं तो चंद्र पर शुक्र रख दिया, जैसे कि सेवंथ हाउस में शुक्र है किसी के, उसके ऊपर दूसरी कुंडली में सेवंथ हाउस पे चंद्र रख दिया। आकर्षण योग, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, ये सेक्स लाइफ में हमेशा जवान रखने का धंधा है। चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, सेवंथ हाउस में किसी के राहु है, अभी मैं आपको सेवंथ हाउस का राहु का बताता हूँ, देखिए सेवेंथ हाउस में किसी के राहु, तो दूसरी कुंडली में सेवेंथ हाउस में शुक्र हो, दोनों लग्न कुंडली की बात कर रहा हूं, राहु पर शुक्र बैठ गया, गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी, अगर राहु पे अगर यहां आपने मंगल बिठा दिया, शनि हो, क्या होगा, नहीं मैच होगा, याद रखिएगा, ये बॉक्स को भी देखना है, राहु पर मंगल बैठ गया, मंगल पर राहु बैठ गया, शनि बैठ गया, नहीं चले, दोनों कुंडली में देखना है कि आपने जो खराब स्थान देखा है, जैसे कि आपने देख लिया कि किसी के ट्वेल्थ हाउस में राहु है, इन दोनों में से एक हाउस में किसी के ट्वेल्थ हाउस में राहु है, आपने देखा अभी राहु को क्या अच्छा लगता है, शुक्र अच्छा लगता है, शराब अच्छा लगता है, औरत अच्छी लगती है, राक्षस है, यहाँ बिठा दो शुक्र के साथ राहु, राहु के साथ यहाँ शुक्र बैठ गया, दूसरी चार्ट में उसी तरीके से चाहिए, तब ये राहु सीधा रहेगा, ये याद रखिएगा, राहु शुक्र, जैसे कि किसी को लग्न में राहु है, कोई आदमी है लग्न में राहु, आपको दिख रहा है कि कुंडली में सब सप्तम में 6-8-12 में गया है, मैरिज लाइफ में गड़बड़ लग रहा है, उसको लग्न में शुक्र वाले से बहुत अच्छा पड़ता है, लग्न में राहु होगा ना, ये आदमी ज्यादातर मैंने देखे मैरिज लाइफ में सेवेंथ हाउस में लग्न में राहु है, सेवेंथ में केतु हो जाता है, ये लोगों के मैरिज लाइफ में इधर इनको तुला वृषभ वाला पार्टनर नहीं मिला तो ये मैरिज लाइफ में गड़बड़ते हैं। सेवेंथ हाउस में राहु होगा ऐसे मैरिज लाइफ के पार्टनर होगा, अगर पार्टनर नहीं है तो मैरिज लाइफ में वो लोग फ्लर्ट हो जाते हैं, यानी कि
चरित्र भ्रष्ट होने के जो चांसेस है, सेवेंथ हाउस में जो राहु है उनके ये भी हो जाता है मैरिज लाइफ में, अगर मैरिज लाइफ का पार्ट वो सेक्सुअली एक्टिवेशन का ही पार्ट, तो राहु शुक्र का आकर्षण योग है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, चंद्र शुक्र को बुलाता है, शुक्र चंद्र को बुलाता है, यानी कि एक दूसरे को पकड़ लेता है। अगर कर्क लग्न का आदमी है तो देखिए वृषभ लग्न का बहुत दोस्त अच्छा लगता है, कर्क लग्न का अगर व्यक्ति है उसको तुला लग्न का व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। ये आकर्षण योग है, आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, आकर्षण योग है। चंद्र और शुक्र आकर्षित होते हैं एक दूसरे के प्रति बहुत जल्दी, और वो सेक्सुअल एक्टिवेशन की बात है। राहु पर शुक्र रख दो, चंद्र पर शुक्र रख दो, बहुत अच्छा चलता है राहु और चंद्र का। शुक्र मंगल का भी आकर्षण योग है, देखिए यहाँ थर्ड शुक्र और मंगल, एक के सप्तम में मंगल है तो उस पर शुक्र रख दो, दूसरे का शुक्र सप्तम में हो मजा आ जाएगा उस अग्नि मंगल शुक्र को फिट हो जाएगा, वो बराबर बैठता है। शुक्र मंगल भी आकर्षण योग निर्माण करता है, कुंडली में कहीं भी आपको शुक्र मंगल है एक स्थान में तो जल्दी से औरत के प्रति देखिए, शुक्र मतलब आकर्षण और उसके साथ मंगल बैठ गया यानी कि आग लगा देता है उस आकर्षण में। शुक्र मंगल की युति हो, शुक्र राहु की युति हो, ऐसे लोग लव मैरिज करते दिखाई देते हैं, चंद्र शुक्र वाले फ्लर्ट होते हैं, लेकिन हमने इसको दो कुंडली में बैठो बेनिफिट लेने की आइडिया बताओ, एक के चंद्र पे शुक्र बैठ जाए, एक के शुक्र पर मंगल बैठ जाए, एक के राहु पर शुक्र बैठ जाए, उसी स्थान की बात कर रहा हूँ बी रिमेम्बर, तो ये फिट हो जाता है, सेक्सुअली फिट हो जाता है। अभी मन के संबंध है, देखिए किसी भी कुंडली में मन के संबंध, देखिए अगर जो किसी का मकर राशि का, मैं आपको बताता हूँ, अगर मकर का ही चंद्र, देखिए यहाँ 8, 9, 10 ये मकर का चंद्र है, यानी कि मकर का चंद्र है ऐसे लोगों को, मकर का सूर्य हो ये मन का योग है। देखिए मकर राशि का चंद्र, मकर का सूर्य, ये मिलन है, सूर्य और चंद्र का एक राशि में मिलन है। आइधर आप इस तरह से देखते हैं, या तो देखिए ये सूर्य इसके चतुर्थ में तो इसके चंद्र चतुर्थ में, तो ये फोर्थ हाउस के हिसाब से देखा, या इसका चंद्र यहाँ है, इसका सूर्य यहाँ पर, ये मन के संबंध है। चंद्र पे सूर्य बैठ जाए, एक राशि का बिठा दो या एक हाउस का बिठा दो, चंद्र पे सूर्य बैठ जाए ये मन के संबंध है, सूर्य और चंद्र का मिलन है, ये अमावस है डेफिनेटली, बट ये भी मन तक पहुंचना है तो आपके साथ देखिए ये इस तरह से काम करता है। इसको ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये मन के संबंध है चंद्र और सूर्य के। अब मैंने बहुत सारे सुखी चार्ट को ऑब्जर्व किया है, मैंने सिर्फ आपको अभी ये चीज दिया है, क्लिक किया है, अभी आपको इसको ऑब्जर्व करना है। आपके पास जहां जहां चीज है पहली बार ऑब्जर्व करेंगे, फिर आप इसको प्रैक्टिकल यूज में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये मैंने जो आपको वो दे रहा हूँ, आपको डोर दे रहा हूँ, जैसे कि ये पॉइंट का बताया, ओम विवाह का बताया, वैसे ये मैं मन का खेल बता रहा हूँ, मन का खेल। अभी नवमांश कुंडली का और जन्म कुंडली का किस तरह से संबंध आता है वैवाहिक जीवन में वो मैं बता रहा हूँ। देखिए नवमांश कुंडली का लग्नेश, पहली बात हमने देख लिया 6, 8, 12 में हमारी लग्न कुंडली का सप्तम में 6, 8, 12 में, तो हमको ये माइनस पॉइंट दिखा दे रहे हैं, हमको पता चल गया कि हमारी कुंडली का 6, 8, 12 में लग्नेश चला गया, सप्तम में 6, 8, 12 में चला गया, 6, 8 या 12 में चला गया, सप्तम में राहु के साथ है, सप्तम में राहु शनि का जोड़ी है, सप्तम में या लग्न में कहीं भी ऐसा या श्रापित दोष हमको दिखाई दे, तो अभी हमको होशियार होना है। अभी नवमांश कुंडली, आपकी नवमांश कुंडली को फिर से देखिएगा, मैंने जब नवमांश कुंडली को देखा, ज्यादातर देखिए लकी लोगों के नवमांश कुंडली में भी लग्न वही आता है, वी रिमेम्बर दिस, नवमांश कुंडली का लग्नेश भी वही आता है। नवमांश कुंडली में अधिकतर प्लैनेट स्वगृही होते हैं, उच्च होते हैं या परिवर्तन होके मजबूत हो जाए। नवमांश कुंडली के बिना जन्म कुंडली का जो आप मूल्यांकन कर सकते हैं वो इतना आसान नहीं होता। जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है लेकिन नवमांश में जाके नीच का हो गया, जैसे कि आप देखते हैं सप्तमेश है आपकी लग्न कुंडली में उच्च का हो गया, तो नवमांश में भी आप एक नजर मारे जरूर, नवमांश कुंडली में वो 6, 8, 12 में बैठा होगा ऐसा नहीं, नवमांश कुंडली में वो ग्रह यहाँ उच्च का है वो यहाँ नीच का हो जाता, ध्यान में रखिएगा तो माइनस हो जाता। कभी भी याद रखिएगा कि जो जन्म कुंडली में जो ग्रह उच्च का है वो नवमांश में उच्च का चाहिए ही,
अगर ये उच्च का नवांश लग्न कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि का है और नवांश में उच्च का हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन जो कि लग्न कुंडली में जो ग्रह नीच राशि का है वो नवांश में भी जाके नीच का बैठ गया, वर्गोत्तमी हो गया, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। भी रिमेम्बर, आप बोलेंगे वर्गोत्तमी अच्छा रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, वो बलवान हो जाएगा और नवांश में नीच राशि का वो और हालत खराब कर देगा। तो समझने की कोशिश करिए कॉन्सेप्ट को, अपने हर बार एक्सपीरियंस को लगाने की कोशिश करिए कि नवांश कुंडली का लगने, जैसे कि अभी मैंने बताया कि नवांश कुंडली समझो नहीं लगने और इसका स्वामी गुरु हुआ, ये गुरु कुंडली में हमारे जन्म कुंडली में 6, 8 और 12 छोड़ के कहीं भी होना चाहिए, जैसे कि यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, सिर्फ 6, 8 और 12 में नहीं चाहिए। नवांश कुंडली का लग्नेश की बात कर रहा हूँ, नवांश कुंडली समझो, नवांश कुंडली आपने नवांश कन्या का उदित हो रहा है तो आप बुध को देखिए, बुध 6, 8, 12 स्थान में जन्म कुंडली में नहीं चाहिए, ध्यान में रखिएगा। नवांश को इस तरह से कोरिलेट करिए, लग्न कुंडली को नवांश से कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है, लग्न कुंडली का जो लग्नेश है वो नवांश में कहाँ उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करिए, नवांश कुंडली के लग्न को जन्म कुंडली में आपको देखना है कि कहाँ गया, ये चीज है। अभी इसके बाद मैं ये आखिरी पॉइंट आपको षडाष्टक का बता रहा हूं, षडाष्टक, षडाष्टक में भी देखिए एक राशि से दूसरी राशि 6, 8, 12 में नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी राशि जब भी एरीस है समझो, आपका मेष राशि, राशि की बात कर रहा हूं पहले लग्न की नहीं, फिर लग्न पे आता हूं इसी तरीके से, आठ और बारह एरिस मैंने इसके लिए लिया, इट्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपका मेष राशि है तो देखिए आपको कन्या, वृश्चिक और मीन, ये इसके साथ देखिए आपकी राशि के साथ 6, 8 और 12 राशि मैच नहीं करिएगा, अगर मैच में उसको माइनस पॉइंट हो जाते हैं, माइनस पॉइंट हो जाते हैं, याद रखिएगा 6, 8 और 12 आपका समझो मेष है, जैसे कि आपकी समझो कोई भी लग्न, कोई भी राशि, पहले इसको राशि से समझने की कोशिश करिए, 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए वो राशि, उसको बोलते हैं षडाष्टक। मैं षडाष्टक कैसे होता है वो बताता हूँ, जैसे कि अगर समझो ये मेष है और आपने ये 6 देखा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 आपके लिए, देखिए आपके लिए ये कहाँ आया 6वें में और उसके लिए आप कहाँ गए 8वें में, तो इसको बोलते हैं षडाष्टक, 6 और 8 का संबंध, षडाष्टक मृत्यु, इसको बोलते हैं मृत्यु षडाष्टक, षडाष्टक को बोलते हैं मृत्यु से संबंध। तो कभी भी याद रखिएगा एस्ट्रोलॉजर षडाष्टक में अप्रूवल नहीं करते हो, पॉइंट मिलते हैं या नहीं मिलते हैं उस पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं, यहाँ पॉइंट मिले, लग्न से मिले, चंद्र से मिले, अभी लव मैरिज वाले चार्ट लेके आते हैं, जनरली देखिए षडाष्टक में प्यार नहीं होता, प्यार तो होता है पंचम में, 5th-9th में प्यार हो जाता है, यानी कि आपकी लग्न कुंडली से 5 में और 9 में, 9 और 5 यहाँ आपका क्रिएशन है, 9 और 5 ये ट्राइन, ये मोहब्बत की जगह है 5 और 9। अभी षडाष्टक है तो एक्सेप्टेड नहीं है। दूसरी बात सेकंड 12, अभी सेकंड 12 के लिए मैं आपको इसी का, देखिए यहाँ बहुत गंदा हो गया, मैं यहाँ बताता हूँ, ये थोड़ा क्लीन है, जैसे कि ये एरिस लग्न ही है, लग्न की बात कर रहा हूँ मैं अभी, या चंद्र की बात करता हूँ, आप जो भी समझते हैं, पहली बात देखिए ये मेष है, अगर आपको वृषभ मिल गया, अगर आपको वृषभ के साथ मैच करना है एरिस को, तो देखिए इसके धनस्थान में आ गया, इसके वृषभ राशि यहां है, वृषभ लग्न यहां, लेकिन इसके लिए एरिस यहां है 12 में, 6, 8, 12, इसको बोलते हैं बिया वालू गुजराती में, एक दूसरे के प्रति सेकेंड एंड 12 लग्न भी ठीक नहीं होते, लग्न से भी आप देख लीजिएगा आपके जीवन में जब भी कोई आदमी लाभदायक रहता, जैसे कि एरिस लग्न ही है अगर, तो आपके 9वें लग्न में, 9वें स्थान में, 10वें और 11वें स्थान में भाग्य, कर्म और लाभ, यानी कि अगर आप एरिस लग्न है तो आपको धनु लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न बहुत फायदेमंद साबित होता है, धनु लग्न आपके लिए भाग्यशाली होता है,
धनु लग्न की बीबी हो, पार्टनर हो, एक्सेप्टेबल। मकर लग्न हो, बीबी हो, पार्टनर हो, एक्सेप्टेबल। और कुंभ लग्न की बीबी हो, पार्टनर हो, दोस्त हो। ज्यादातर अपने लग्न से ग्यारहवा लग्न हमारा मित्र होता है, क्योंकि वो शत्रु का शत्रु है। हम पर जब मुसीबत आती है तो मुसीबत की मुसीबत हो जाती है, खड़ा हो जाता है। हमारा हमेशा ग्यारहवा लग्न अगर मिल जाता है, कभी भी याद रखिएगा, जैसे कि वृषभ लग्न। लग्न की बात मैं ज्यादा करता हूँ क्योंकि चंद्र ज्यादा रिजल्ट नहीं देता। मैंने देखा है चंद्र से ज्यादा रिजल्ट नहीं देता। मैं इवन चंद्र से षडाष्टक होगा ना तो मैं चला लेता हूँ, लेकिन मैं लग्न से षडाष्टक नहीं चला। मैं सबसे पहले लग्न से षडाष्टक नहीं चला था। पहले मैच मेकिंग में मैं देखिए, अगर वृषभ लग्न है तो मीन 11 में आ गया। इसका अच्छा खासा दोस्त हो सकता है वृषभ वालों के लिए मीन का। वृषभ वालों के लिए कुंभ अच्छा दोस्त होगा कर्मस्थान में। वृषभ वालों के लिए मकर अच्छा दोस्त होगा क्योंकि भाग्य में। भाग्य, कर्म और लाभ, ये ध्यान में रखिएगा। अपनी अपनी लग्न कुंडली को रिकग्नाइज करने की कोशिश करिए। इसमें 9, 10, 11 में जब भी कोई बैठ जाता है तो वो हमारे को जीवन में ऑलवेज हेल्प करता है, ऑलवेज हेल्प करता है और उसकी हेल्प मिलती है। बी रिमेंबर, मैच मेकिंग की ये सारे मुद्दे आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए जो मैंने बोला। मैरिज लाइफ देखिए दो लोगों का काम। एक आदमी कभी ये नहीं बोल सकता कि आई एम हैप्पी इन माई मैरिज लाइफ। दो होने ही चाहिए, और दो हो तो दोनों बराबर होने चाहिए। 90% केसेस में देखिए लोग ऐसा बोलते हैं कि ये गए जन्म का है ये सब, लेकिन सेवंथ हाउस में राहु होगा तब गए जन्म की बात। सेवंथ हाउस में रेट्रो प्लेनेट है तभी गए जन्म की बात। सप्तमेश वक्री है तभी गए जन्म की बात, अदरवाइज नहीं। आप हर जगह अगर मैरिज लाइफ को अगर गए जन्म से तोलने लगे तो नहीं है। और सप्तमेश 6, 8, 12 में जाता है, मैंने जो पहले मेरे वीडियो में बताया उसको देखिएगा, इसको देखिएगा, और बाद में मैच मेकिंग को हाँ करिएगा। ऑलवेज याद रखिएगा मैच मेकिंग में मंगल मांगलिक चार्ट को भी देखना चाहिए। आपको मांगलिक चार्ट है, एक को मंगल है, एक को शनि, चलाते हैं लोग, ठीक है। लेकिन कोई कोई क्या बोलते हैं कि कहीं कहीं ऐसा लिखा है शास्त्र में कि शनि और राहु सरीखे। देखिए लोग क्या क्या बदमाशी करते हैं मैं बता रहा हूँ। और ये केतु है वो मंगल, ये कुछ और बात है। वो मैरिज लाइफ के किसी चैप्टर में ऐसा नहीं बोला है कि आप केतु को और राहु को चला दो। लोग चलाते हैं, मैंने आई हैव सीन सच टाइप ऑफ पीपल्स जो चलाते हैं। मैं नहीं चलाता और ना मैं एक्सक्यूज लेता हूँ ऐसी। मैं एक्सपीरियंस में ये पाता हूँ कि ये तो नेगेटिव प्लैनेट है। अगर सेवंथ हाउस में शनि है उसको सेवंथ हाउस में राहु के साथ बिठा दिया, राहु शनि का क्या होगा, ये शराबी दोष होगा। मैं नहीं मानता वो चलेगा और मैं ऐसा कभी नहीं करता। मेरा एक्सपीरियंस यही बताता है। मंगलिक दोष के लिए ध्यान में रखिएगा, इस तरह से नहीं टॉलरेट होता। लोग टॉलरेट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मांगलिक दोष चंद्र से नहीं।